कोचादामन प्रखंड के कैरी बिलपुर पंचायत के कई गांवों में आज कंबल वितरण किया गया। तो वहीं पूरिया जिले के नगर ब्लॉक अंतर्गत आदिवासी गांव के बीच में भी कंबल वितरण किया गया। हालांकि साता न्यूज की टीम की एक बड़ी पहल है। साथ साथ सीमांचल ब्यूरो चीफ मिन्हाज आलम के नेतृत्व लोगों के बीच उन गरीबों को जरूरतमंदों को कंबल दिया गया जो इस कड़ाके की ठंड में जो काफी दिक्कतों में रह रहे हैं। हालांकि साधन न्यूज की टीम की बड़ी पहल है कि इन गरीबों तक उसे पहुंचाया जा सके जिन तक सरकार की दी हुई कोई भी चीज नहीं पहुंच पाती है। आज टीम में मिलकर लोगों के बीच कंबल आदि चीजों से उन्हें देखकर प्रदान किया गया। आज टीम ने मिलकर लोगों के बीच कंबल चटर आदि चीजों से उन्हें देकर प्रदान किया गया। हालांकि इसे लेकर लोगों ने काफी खुशी जताई, न्यूज की टीम को बताई थी। उन्होंने बताया कि बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ मालिक साधन का जिन्होंने इस चीज को बीच उतारा। साधना न्यूज टीम के सभी लोग सूरज कुमार शाह एवं मोहसिन आलम, मिन्हाज आलम, फहाद आलम, आसिफ इकबाल, अजमल अख्तर नूरी आदि लोग मौजूद रहे। किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम की खास रिपोर्ट। साधना न्यूज के जो मालिक हैं मयंक जैन का, सबसे पहले उनका मैं शुक्रगुजार करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो सीमांचल को समझा कि नहीं, यहां के लोग बहुत गरीबी हालत में रहते हैं, उनका आदेश और आज्ञा, उनका आदेश को पालन करते हुए हम लोगों ने आज कंबल वितरण किया कर रहे हैं जो गरीब लोग हैं। सीमांचल काफी पिछड़ा इलाका है बिहार का, और हमारे मयंक जैन सर का सबसे बड़ी बात है कि इन गरीबों के लिए भेजा गया है और इनसे ही हमारी चैनल चलती है। और सबसे बड़ी बात है सर का जो आदेश था उनका पालन करते हुए मैं सर का शुक्रगुजार करता हूँ कि वो इस चीज को समझा उन्होंने और हमें आदेश दिया। आज हमारी पूरी टीम लोगों के बीच कंबल बांट वितरण कर रही है। मैं सबसे पहले मयंक जैन का, साधना न्यूज की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि सीमांचल को उन्होंने बेहतर विकल्प के लिए चुना है।